हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आपका पायस राव क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून करंट अफेयर। मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश अग्रवाल। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन, भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स। पहला है 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर और डी 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने फिलिपिस्तानी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी UNRWA को कितने प्रतिशत अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो सही ऑप्शन है आपका बी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने फिलिपिस्तानी शरणार्थियों के कल्याण के लिए राशि दी है। चलिए फिलिपिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। राजधानी यरूशलम, मुद्रा जॉर्डन दिनार और राष्ट्रपति महमूद अब्बास। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया के कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है, तो वह कौन सा देश है। सॉरी फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है आपके सामने ए चीन, बी अमेरिका, सी इजराइल और डी भारत। तो चारों में से सही ऑप्शन आपको अपना गैस करना है। जिस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया के कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, सही उत्तर है आपका डी भारत। भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, ए 23 जून, बी 24 जून, सी 25 जून और डी 26 जून। आप इसको इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में भी याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आप सब जानते होंगे इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आने के लिए। तो सही उत्तर है इसका ए 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है, वह कौन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए कैलाश सत्यार्थी, बी मलाला यूसुफाई, सी जॉन अहमद और डी अमृत सेन। वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है, तो वह हैं डी अमृत सेन। ठीक है फ्रेंड्स, अमृत सेन, जिनकी कि आप तस्वीर अपने सामने देख रहे होंगे, इन्होंने अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार सन 1998 में 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था।
साथ ही 1999 में भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवार्ड होता है, उससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और अगर इनके जन्म की बात करें तो 1933 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अमृत सेन काफ़ी प्रतिष्ठित भारत के लिए नाम, और अभी तक पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे करदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए 2%, बी 3%, सी 4% और डी 5%। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स आपका ए 2%। 2% तक कर्जदाताओं को ब्याज सहायता देने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीता है वह कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए सौरभ गांगुली, बी BBS लक्ष्मण, सी राहुल द्रविड़ और डी हरभजन सिंह। तो चारों में से सही उत्तर आपको गैस करना है फ्रेंड्स, जिसने विजडन इंडिया के पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जिस खिलाड़ी ने जीता है, तो वह खिलाड़ी है फ्रेंड्स राहुल द्रविड़। आप सबने नाम सुना होगा, काफ़ी महान खिलाड़ी अपने देश के, जो कि बाद में कप्तान भी रहे भारतीय क्रिकेट टीम के। इन्होंने हाल ही में 50 साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पोल का अवार्ड जीता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है, वह कौन से राज्य की सरकार है? चार ऑप्शन आपके सामने, ए महाराष्ट्र, बी असम, सी दिल्ली और डी पश्चिम बंगाल। तो चारों में से सही उत्तर आप सबने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, कि देखिए जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस समय कोरोना संक्रमण पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसके कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला पश्चिम बंगाल ने लिया है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर है आपका पश्चिम बंगाल। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में जिस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है, तो वह कौन सा मंदिर है और उस मंदिर का क्या नाम है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, ए श्री कृष्ण मंदिर, बी राम मंदिर, सी शिव मंदिर और डी गणेश मंदिर। देखिए पहली बार है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है, पहला हिंदू मंदिर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से रह रहे हिंदुओं की क्या दशा रही होगी, जो कि इतने सालों बाद वहाँ पहला हिंदू मंदिर बना पा रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। चलिए
तो सही ऑप्शन है आपका ए श्री कृष्ण मंदिर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में पहला श्री कृष्ण मंदिर हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद पाकिस्तान की, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया चलता है यहाँ पे, और प्रधानमंत्री इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए राहुल कुमार, बी संजीव कुमार, सी विनय कुमार और डी संजय कुमार। तो चारों में से सही ऑप्शन आपको अपना गैस करना है कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही ऑप्शन है आपका डी संजय कुमार। संजय कुमार जी को हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में आप सब जानते होंगे, राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। चलिए फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। हाल ही में जिस देश ने भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है, तो वह कौन सा देश है जिसने पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी रूस और डी ब्रिटिश। चारों में से सही ऑप्शन है आपका ए अमेरिका। अमेरिका ने पहली बार भारत के बाहर, यानी भारत देश में तो है ही है, भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है। अमेरिका के बारे में आप सब जानते ही होंगे, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।